हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको इंग्लिश डिटेक्टिव लिटरेचर के चैप्टर नंबर 3 यानी कि स्टोरी नंबर 3 पढ़ाएंगे। उसको हम सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हिंदी में क्या है, क्योंकि इंग्लिश में तो सब बच्चे पढ़ ही लेते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनको हिंदी में मीनिंग समझ नहीं आता। तो हमने दो स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेन कर दिया है, आज हम करेंगे थर्ड स्टोरी का। तो हमारी जो थर्ड स्टोरी है उसका क्या नाम है, अ मर्डर इज अनाउंस्ड। ये क्या है, हमारी थर्ड स्टोरी का नाम है अ मर्डर इज अनाउंस्ड, एक्ट ऑफ जस्टिस की जो है। तो जो इस स्टोरी में गाइस, ये एक इनविटेशन मिलता है मर्डर होने का। कहाँ होता है मर्डर, कहाँ पर अनाउंसमेंट होती है मर्डर होने की, जो इनविटेशन मिलता है अखबार में जो आता है, 29 अक्टूबर फ्राइडे के दिन लिटिल पेडॉक्स में 6:30 बजे यानी कि 6:30 पे मर्डर होने वाला है। तो अब वो मर्डर किसका होने वाला है, क्या होने वाला है, वो हम देखते हैं। तो जो लिटिल पेडॉक्स की मालिकिन है, वो उसका क्या नाम है, मिस ब्लैकलॉक। उनका पूरा नाम है मिस लिटिलिया ब्लैकलॉट, लेकिन उसको प्यार से बोलते हैं मिस ब्लैकलॉट। सब ज़्यादातर उनको क्या बोलते हैं, मिस ब्लैकलॉक्स। मेन कैरेक्टर्स में जो जो एक तो ये ब्लैकलॉट्स हैं, मिस ब्लैकलॉट, इनकी फ्रेंड डोरा, पैट्रिक, जूलिया एंड रूडिसर, मिस मार्पल, इंस्पेक्टर होते हैं इसमें, एक इंस्पेक्टर का नाम है कैड्रॉक, पीप, एमा, सोनिया, ये सब क्या है इसमें मेन कैरेक्टर है। अब आगे चलते चलते आपको कहानी में समझ आ ही जाएगा किसका क्या रोल है। अब देखिए, जो मिस ब्लैकलॉट होती है वो बोलती हैं अपने ये जो पैट्रिक और जूलिया होते हैं, इनकी कज़न्स होते हैं ये, इसी के साथ यहीं पे लिटिल पैडॉक्स में रह रहे होते हैं। एंड जो डोरा होती है, इनकी फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, तो ये भी इन्हीं के साथ रह रही होती है डोरा बर्डर। जो डोरा होती है वो थोड़ी पागल होती है, कम दिमाग होता है उसमें, वो कुछ भी कभी भी बोल देती है, सबको लगता है कि वो पागल है। तो जो मिस ब्लैकलॉट होती हैं वो हमेशा अपने गले में नकली मोतियों की माला पहनी होती है, एंड बिल्कुल टाइट एकदम नकली मोतियों की माला वो हमेशा पहने रखती है। तो जब एक न्यूज़पेपर में ये अनाउंसमेंट का लेटर होता है, मिलता है कि फ्राइडे को 29 अक्टूबर फ्राइडे को लिटिल पैडॉक्स में 6:30 बजे मर्डर होगा, तो सब इसके जो ये मिस ब्लैकलॉट्स के जो पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सब हैरत में पड़ जाते हैं कि किसका मर्डर होने वाला है और क्या होने वाला है। मिस ब्लैकलॉट्स को लगता है कि ये शैतानी पैट्रिक की है, उसके कज़न्स पैट्रिक ने ये शैतानी करी है, न्यूज़पेपर में उसने छपवाया है ये, बट ऐसा नहीं होता है। एंड मिस ब्लैकलॉट जो होती है वो सबसे बोलती है डोरा से एंड अपने कजन्स पैट्रिक और जूलिया से कि मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में, गेम है एक ये। एंड 29 अक्टूबर आता है, फ्राइडे होता है उस दिन, सब इकट्ठे हो जाते हैं लिटिल पैडॉक्स में, एंड जैसे ही 6:30 बजते हैं एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है। एंड जो लिटिल पैडॉक्स होते हैं वहाँ पर पहले दो गेट होते हैं, तो एक गेट पहले टाइटली बंद रहता है, लेकिन जिस दिन वो मर्डर होने वाला होता है उस दिन वो गेट अपने आप खुल जाता है। जैसे लाइट बंद होती है, गेट खुलने की आवाज़ आती है एंड स्विच ऑफ लाइट्स हो जाती है, तो पूरा अंधेरा हो जाता है, गेट खुलने की आवाज़ आती है और एक शूट आउट की यानी कि गोली चलने की आवाज़ आती है। पहले एक आदमी आ रहा होता है और उसके हाथ में टॉर्च होती है और एक हाथ में गन होती है और गोली चलने की आवाज़ आती है। एंड गोली चलने के बाद सब बहुत हैरत में पड़ जाती है कि किसका मर्डर हुआ है, किसने चलाई है गोली। तो फ्लोर पे वहीं पे ज़मीन पर एक आदमी पड़ा होता है, जिसका वो कौन होता है, रूडिशर्स होता है। एंड जो वो होती है मिस ब्लैकलॉट, उसके कान से ब्लड बह रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो सब हैरत में पड़ जाते हैं कि क्या नाम है, जो मिस ब्लैकलॉट है उसके कान से ब्लड निकल रहा है। तो मिस ब्लैकलॉट बोलती है, घबराने वाली बात नहीं है, गोली मेरे को छू कर गई है, यानी कि बस लगी नहीं है, हल्की सी टच होकर चली गई है। तो जो रूडिशर्स होता है उसको डोरा पहचान लेती है। डोरा अपनी फ्रेंड मिस ब्लैकलॉट से बोलती है कि डोरा, ये तो वही आदमी है जो वहाँ पर एक वहाँ पे वो खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो होता है रिसेप्शनिस्ट होता है रूडिशर्स, एंड वो उसको शायद पैसे पूरे नहीं देती है, क्या नहीं देती है। तो वो डोरा बोलती है कि ये शायद आदमी इसी वजह से नाराज़ था एंड वो तुम्हारा मर्डर करने आया था। ऐसी ही फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस इंस्पेक्टर का क्या नाम है, क्रेडॉक्ट।
इंस्पेक्टर क्रेडोट आते हैं एंड सबका बयान दर्ज करते हैं और सबसे पूछ रहे होते हैं कि क्या था क्या नहीं था, वो सबसे पता करते हैं। एंड फिर इसी केस में सेकंड एक डिटेक्टिव जो होते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव वूमेन आती है, उनका नाम है मिस मापल। मिस मापल कौन है? डिटेक्टिव वूमेन है। देखने में तो ये वैसे एजेड है लेकिन इनका जो माइंड है बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत आसानी से पता लगा लेती है कि मर्डरिस्ट कौन है और कौन नहीं। तो रूडी शर्ट्स का पहले इसमें मर्डर किसका हुआ है? रूडी शर्ट्स। एंड अब सेकेंड होता है कि एक दिन सबको ना डर लगा रहता है कि मिस ब्लैकलॉक का मर्डर होने वाला है, मिस ब्लैकलॉक को सब मारना चाहते हैं। तो इसमें जो एक मिर्जी नाम की औरत होती है वो इनकी मेड होती है, नौकरानी होती है, इनके घर में काम कर रही होती है, कुकिंग करती है, घर का सारा काम करती है। तो जो मिर्जी होती है उसका घर में सब, मतलब जो उनके हस्बैंड होते हैं मिर्जी के, वो मर जाते हैं। जो नाजिस थे उनको वो उन्होंने मार दिए थे फॉरगन में। तो जब जो मिर्जी होती है वो बहुत डर जाती है गोली चलने की वजह से, उसको ये लगता है कि उसी को, अब जैसे उसके हस्बैंड को मारा है, उसके बच्चों को मारा है, ऐसे उसको भी नाजिस मारने आए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एंड जब इसमें सेकंड मर्डर होता है, अब देखो सेकंड मर्डर कैसे होता है। फर्स्ट मर्डर तो किसका था गाइस? आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें फर्स्ट मर्डर एंड सेकंड मर्डर एंड थर्ड मर्डर किसका होता है? इसमें तीन मर्डर हुए थे, तो आप ध्यान से देखना। फर्स्ट मर्डर हुआ था रूडी शर्ट्स का, और कैसे हुआ था वो आपको मैं बता चुकी हूँ। एंड अब सेकंड देखते हैं, अब देखते हैं सेकंड मर्डर का। तो एक दिन होता है डोरा का बर्थडे होता है उस दिन, टुडेज डोरा बर्थडे होता है। डोरा जो होती है वो मिस ब्लैकलॉक की जो फ्रेंड है उसका बर्थडे होता है। एंड उस दिन डोरा अपने आप की खुद की तबीयत ना ख़राब महसूस करती है, वो बोलती है कि आई एम नॉट वेल ब्लैकलॉक, तो मेरा बर्थडे मत बनाओ, रहने दो। बट जैसे तो जो डोरा होती है जो मना कर देती कि मिस ब्लैकलॉक रहने दो, मेरा बर्थडे नहीं। तो मिस ब्लैकलॉक को कभी कभी वो बोल देती जॉले। तो जैसे वो जॉले बोलती है, मिस ब्लैकलॉक उसको बोलती है नो डोरा यू कैन डू, मतलब उसको मत बोलो ऐसे, मत करो ऐसे, मत बोलो। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, तो वो जब मना कर देती है कि नहीं मेरा बर्थडे मत सेलिब्रेट करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मिस ब्लैकलॉक बोलती है नहीं डोरा, तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। एंड वैसे ही केक मंगाया जाता है, केक बनता है और सब गेस्ट वगैरह सब आते हैं, एंड डोरा का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। एंड डोरा के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उस दिन, तो डोरा एस्प्रिन की गोली, एस्प्रिन क्या होती है, मतलब सर दर्द की गोली होती है, एस्प्रिन की गोली, तो उसको वो अपने रूम में देख रही होती है। एंड आती है वो डोर्स के पास, अपनी फ्रेंड मिस ब्लैकलॉक्स के पास, एंड बोलती है कि मेरी जो एस्प्रिन की गोली की बॉक्स है वो, मतलब मेरी टेबल से गायब है, नहीं मिल रहा है मेरे को। तो मिस ब्लैकलॉक बोलती है कोई नहीं डोरा, तुम मेरी एस्प्रिन की गोली यूज़ कर लो, मेरे रूम में जाओ एंड एस्प्रिन की गोली रखी होगी टेबल पर, वो यूज़ कर लो। एंड वो जाती है एंड वो एस्प्रिन की गोली खाकर सो जाती है। एंड नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, डोरा की डेथ हो गई होती है। कैसे डेथ होती है? जो एस्प्रिन की गोली होती है उसमें पॉइजन, किसी ने पॉइजन मिला दिया होता है, यानी कि जहर मिला दिया होता है, जिसे खाकर डोरा मर जाती है। एंड फिर सबको शक यही जाता है कि मिस ब्लैकलॉक को मारने के लिए किसी ने एस्प्रिन की गोली में जहर मिला दिया था, जो गलती से डोरा ने खा ली और डोरा मर गई। बट जो ये मर्डरिस्ट है वो अलग ही होता है, लास्ट में पता चलेगा आपको मर्डरिस्ट कौन है कौन नहीं, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। एंड अभी सेकंड मर्डर हो गया होता है, तो बहुत मिस मापल एंड जो इंस्पेक्टर होते हैं बहुत ही, मतलब अजीब बिहेवियर से सबसे बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं आता है कि मर्डरिस्ट कौन है कौन नहीं है, कौन ही सब मर्डर कर रहा है। फिर जो होता है नेक्स्ट, एक दिन मिस मापल जो होती हैं एक आइडिया प्लान बनाती हैं, एक आइडिया उनके माइंड में आता है कि जो मर्डरिस्ट है खुद सामने आ जाए, वो ऐसा कैसे करेंगे जो खुद सामने आ जाएगा। तो एक दिन वो प्लान बनाती हैं, क्या प्लान बनाती हैं, वो इंस्पेक्टर क्रेडिट एंड जो मिस मापल होती हैं किचन में जाकर ड्रॉर के नीचे छुप जाती हैं, ड्रॉर बंद करके छुप जाती हैं वो। एंड वो जो मिर्जी होती है उसको बोलती हैं कि तुम बर्तन फेंकना, वो पहले पूरा प्लान बनाती हैं, बाद में बताऊँगी मैं आपको कैसे होता है, कि तुम बर्तन फेंकना जिससे कि वो मिस ब्लैकलॉक अंदर आएंगी। एंड उसी टाइम जो मिस ब्लैकलॉक के गले की माला होती है वो टूट के बिखर जाती है, तो मिस ब्लैकलॉक जो होती है बहुत टेंशन में आ जाती है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो बर्तन फेंकने की आवाज़ आती है तो मिस ब्लैकलॉक बहुत गुस्से में किचन में आती है।
एंड मिर्जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तुम ये काम अच्छे से नहीं कर रही हो, बर्तन अच्छे से नहीं धो रही हो। तो इतने में मिर्जी उनको कुछ बोल रही होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसकी गर्दन पकड़ के सिंक में भरे हुए पानी में डुबो देती हैं। एंड वो इतनी टाइटली डुबोती हैं कि उनकी जो मिर्जी होती है उसको बिल्कुल भी बोल नहीं पाती है और वो वहीं पर मर जाती है। एंड ये सब सारी चीज़ें इंस्पेक्टर एंड मिस मापल ड्रॉर में से देख रही होती हैं। एंड जो मिस मापल होती हैं वो अपनी वॉइस चेंज करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं एंड वो वॉइस चेंज करके डोरा की आवाज़ में बोलती हैं, माय बेस्ट फ्रेंड मिस ब्लैकलॉर्ड, व्हाई आर यू मर्डर मी, मतलब तुमने मेरे को क्यों मारा, व्हाई आर यू किल मी। तो वो बोलती है, सॉरी माय स्वीट फ्रेंड डोरा, तुम मेरे लिए डेंजर हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हारी डेथ तुम्हें मार दिया। वो डेंजर कैसे हो गई थी, क्योंकि वो कभी भी उसको लॉटी बोल देती है एंड कभी भी वो सारी पुरानी बातें बोल देती है। एंड फिर जब वो सारी बात बता रही होती है तो ये सब जो डोरा होती है तो मर गई होती है, मिस मापल उसकी आवाज़ चेंज करके बोल रही होती है। एंड फिर जब वो उसको बता रही होती है तो ये सब बातें मिस मापल एंड इंस्पेक्टर सुन लेते हैं एंड फिर उसको बाद में अरेस्ट कर लेते हैं मिस ब्लैक लॉर्ड्स को। फिर जब मिस ब्लैक लॉर्ड से पूछते हैं कि तुमने ये तीनों मर्डर क्यों करे, क्या बात थी, क्यों ऐसा करा तुमने, तो वो बताती है कि मैं और मेरी सिस्टर मिस शेरलॉक अफ्रीका गए थे तो मिस शेरलॉक के गले में कुछ प्रॉब्लम थी। एंड जब मिस शेरलॉक को ये पता चला कि मिस ब्लैक लॉर्ड जहाँ पहले काम करती थी मिस्टर ग्रॉडट के पास, वो अपनी सारी संपत्ति मिस ब्लैकलॉक के नाम करना चाहते थे क्योंकि मिस ब्लैकलॉक ने पहले उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, वो पहले बहुत गरीब हो गए थे तो उन्होंने अपने पैसे दिए थे, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो मैं वो सारी प्रॉपर्टी एंड सारी जायदाद को अपने नाम कराना चाहती थी इसलिए मैंने अपनी सिस्टर मिस ब्लैकलॉक को मार दिया एंड मैं खुद मिस ब्लैकलॉक बन के रह रही थी और मैं गले में ये मोती की माला इसलिए पहनती थी ताकि वो मेरे गले में जो प्रॉब्लम है, जो मुझे परेशानी है, वो किसी को दिखे ना। एंड फिर जब मिस मापल पूछती है कि तुमने सूजी शर जो रिसेप्शनिस्ट था उसका मर्डर क्यों करा, वो तो तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं था, तो वो बोलती थी कि उसने मेरे को एक दिन अफ्रीका में पहचान लिया था कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो अब मेरे यहाँ पे मेरे से पता करने आया था इसलिए मैंने उसको मार दिया। एंड फिर वो पूछती है कि तुमने डोरा का मर्डर क्यों करा, तो फिर वो डोरा के बारे में बताती है कि वो बीच बीच में मुझे लॉटी कह बोल देती थी एंड उसको सारी बातें पता थी इसलिए मैंने भी उसका मर्डर कर दिया। एंड फिर ये बोलती है कि ये जो जूलियन पैट्रिक ये भी तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तो बोलती है कि ये क्या एमा एंड पीपा है, सोनिया के बेटे, जो सोनिया थी वो कौन थी, मिस्टर ग्रॉजेट की बहन थी, तो वो अपनी संपत्ति उसको नहीं देना चाहते थे, तो उन पर शक जाते हैं कि जो जूलिया और पैट्रिक हैं ये पीपा और एमा यानी कि सोनिया के बच्चे हैं। तो फिर जब जो मिस ब्लैकलॉर्ड होती है वो पहले ही सारे फ़ोटोज़ वगैरह छुपा देती है जिससे कि कोई पहचान भी नहीं आ पाता। अब देखो का इस जायदाद के लिए कौन क्या कर सकता है, मर्डर वगैरह कर सकता है, ये आप देख सकते हो। एंड इसमें 3 मर्डर हुए थे, ये आपको अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि इसमें कितने मर्डर हुए थे। 3 मर्डर हुए थे, किस किस के हुए थे, सूजी शर्ट के हुआ था और डोरा का एंड लास्ट में मिर्जी का, लास्ट में उसको मापल पकड़ लेते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारी स्टोरी थी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर हम आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।